नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 3 अगस्त 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मिथुन राशि में शुक्र और राहु है, कर्क राशि में सूर्य और बुध, धनु राशि में गुरु और केतु, मकर राशि में शनि और चंद्रमा है और मीन राशि में मंगल गोचर में चल रहा है। शनि और चंद्रमा एक साथ, इस योग को विषयोग कहते हैं। शुक्र और राहु एक साथ इन्फेक्टेड कंडीशन में, ग्रहों का युग्म बना हुआ है। 8 ग्रह दो दो के ग्रुप में बनकर के 4 घरों में बैठे हुए हैं। मंगल स्वतंत्र अकेला है। ग्रहों की स्थिति अभी खराब है। शुक्र वैभव, शुक्र विपरीत लिंगी संबंध, शुक्र इंटरटेनमेंट, शुक्र WBC, सारी चीजें इन्फेक्टेड है इससे संबंधित। चंद्रमा मन का मालिक, लिक्विडिटी का मालिक, ऑक्सीजन का मालिक, जल तत्व का मालिक, गति का मालिक विषयोग में बैठा है। हर दृष्टिकोण से खराब योग बन रहा है। एहतियात बरते, मैं हमेशा कहता हूं हम लोग उबर जाएंगे लेकिन खतरे के शिकार ना हुआ, बचाव रखें, ईश्वर में आस्था रखें, संबंधित उपाय जो है वो करें, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बचाव जरूरी है। नियम कानून से रहिए। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, सीने में विकार, पैतृक संपत्ति या पैतृक स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम, शासन सत्ता पक्ष में परेशानियां, स्वास्थ्य ठीक है और प्रेम की स्थिति ठीक है, बट व्यवसायिक स्थिति आपकी ठीक नहीं दिख रही है। नीली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई हैं लेकिन मान सम्मान के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रेम की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी बेहतर हुई है, धन की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। गणेश जी की वंदना करते रहे। मिथुन राशि, किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन के शिकार ना हो जाए इस बात का ध्यान दीजिए। बचाव पक्ष ठीक है लेकिन इन्फेक्शन के जो तत्व हैं शुक्र और राहु वो लग्न में हैं। विपरीत लिंगी संबंधों में बचाव जरूर रखिएगा, उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बनते हैं। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार करीब करीब ठीक ठाक है। पीली वस्तुओं का दान करें, शनिदेव को प्रणाम करें। कर्क राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, उदर रोग से परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम ठीक ठाक, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम से बेहतर की तरफ। शनि तत्व का दान करें। सिंह राशि, सिंह राशि की जो स्थिति है विरोधी परास्त होंगे, राह के रोड़े हट जाएंगे, पैरों की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार सनेह सनेह आगे बढ़ेगा। काली वस्तुओं का दान करें। कन्या राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, जैसे चल रहा है वैसे चलिए, कोई नई शुरुआत मत करिए, महत्वपूर्ण निर्णयों को भी टाल के रखें। स्वास्थ्य ठीक ठाक, व्यापार मध्यम गति से चलता रहेगा, प्रेम की स्थिति अभी थोड़ी मध्यम चलती रहेगी, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, सीने में विकार संभव है, घर में तूतू मैमे की स्थिति आएगी, भूम भवन वाहन की खरीदारी में प्रॉब्लम आएगी। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम है। नीली वस्तु पास रखें और पीली वस्तु का दान जारी रखें।
वृश्चिक राशि, पराक्रम सफलता दिलाएगा आपको, व्यवसाय में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य अच्छा और प्रेम की स्थिति अभी मध्यम चलेगा। पीली वस्तु पास रखें, नीली वस्तु का दान करें। धनु राशि, कुटुंबों में कुछ आपको लेकर के निगेटिव बातें होंगी, मुख रोग के विकार से परेशान होंगे, नेत्र रोग भी संभव है, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम खराब स्थिति में है, संतान पक्ष को ध्यान में रखें, व्यवसायिक पक्ष भी अभी निगेटिविटी का शिकार रहेगा, प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़े, बहुत बच के पार करिए, काली जी की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें। मकर राशि की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी, लेकिन औसादित रहेगा मन, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है और व्यवसाय भी मध्यम है। पीली वस्तु का दान करें, बजरंग बाण का पाठ करें और काली जी की शरण में रहें। खराब समय है। कुंभ राशि, खर्चे को लेकर के परेशान, व्यवसाय को लेकर के परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य भी मध्यम है, निर्णय लेने की क्षमता ठीक हो गई है, प्रेम की स्थिति अच्छी हो गई है। हरी वस्तु पास रखें, गणेश जी की वंदना करें। मीन राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, लेकिन मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। शिव जी के शरण में जाएं, उन्हें प्रणाम करते रहें, उनका मंत्रोच्चारण करते रहें, अच्छा हो जाएगा। नमस्कार।